Hello everyone, today we have with us is the all new Skoda Slavia Ambition variant. These are the keys of the car. This is what they look like. And this is the Ambition variant. And I am reviewing the Ambition variant because according to me, this is the most value for money variant. There are only few differences between the top model style and the Ambition variant, like the projector headlamps. Here you get the halogen headlamps with DRLs. You get the same alloys, different alloys, but the same size, 205, 55, R16. And you don't get a little bit of chrome that you get on the style variant. But still, it's almost similar. It's very hard to tell if you pick the minor differences. Overall, the sedan looks really nice. All the lines and the creases makes it more aesthetic. And it's a really nice car. Skoda has indeed done a superb job. So this is what it looks from behind, and it's a long car, but it's the widest in the segment. It's 1752, and yes, ka boot space hai, and this is also largest in the segment, 521 liters. It's huge. Matlab segment mein matlab sabse bada hai. It's almost the usse upper wali segment ki gaadiyon ko ye takkar deta hai. And ये आपको spare wheel मिलता है इसमें. It's the same size. In the style variant, you get the one smaller size tire in the side variant. And इसकी auto release trunk है. तो if you just press the button, ये automatically खुल जाता है. And ये आप देख सकते हैं. Now इसमें shark fin antenna आपको मिलता है, जैसे top में मिलता है. And now let's get inside. जी, आपको इसमें ड्यूल टोन थीम मिलता है पूरी गाड़ी में, बेज एंड ब्लैक विथ क्रोम हैंडल्स. एंड पीछे काफ़ी स्पेस है, वेरी वाइड बिकॉज ऑफ द व्हील बेस. एंड तो आपको काफ़ी स्पेस मिलता है. एंड दीज आर द रीडिंग लैम्प्स जो LED में हैं. एंड पीछे आपको AC के पोर्ट्स मिलते हैं, दो USB-C पोर्ट्स मिलते हैं. एंड ये कुछ डैशबोर्ड की लुक है. दिस इज़ द ऑटोमेटिक वर्जन. और यहाँ पे भी आपको दिख सकता है ग्लॉस एंड बेज काफ़ी ट्रीटमेंट दिया हुआ है. फील्स वेरी प्रीमियम गाइस, ट्रस्ट मी. आप वीडियो देख के जज नहीं कर पाएंगे गाड़ी को. मैंने भी जब वीडियो देखी थी तो आई वॉज नॉट, इतना पता नहीं चल रहा था. बट वेन यू गो एंड सिट इन द कार एंड यू फील इट योर सेल्फ, तब आपको पता चलेगा मतलब द प्रीमियमनेस ऑफ द कार. मतलब प्रॉपर यू नो यूरोपियन जर्मन गाड़ियों वाली फील है इसमें, प्रॉपर स्कोडा. कॉस्ट कटिंग की है बट इट स्टिल हैज रिटेन्ड इट्स स्कोडा फील, प्रीमियम फील. थर्ड आप सुन सकते हैं, इट्स वेरी, जो थर्ड होता है स्कोडा गाड़ी यूरोपियन गाड़ियों का, वही सेम आपको हैंडल मिलता है अक्रॉस द रेंज, जो टॉप मॉडल में भी मिलता है आपको, विच फील्स वेरी प्रीमियम. क्रोम इंसर्ट्स हैं, क्रोम रोटरी डायल्स, रियली प्रीमियम टू यूज़. इसमें आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है एंड यू गेट द मैनुअल रियर व्यू मिरर, जो ऑटो डिमिंग खाली आपको टॉप में मिलेगा स्टाइल वेरिएंट में. सो यहाँ पे जैसे ग्लॉस फिनिश्ड है यहाँ डैशबोर्ड पे, टॉप में भी ग्लॉस है. एंड ये आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ, एक्टिव वेरियंट से बड़ा है एंड बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. डिजिटल फीचर्स हैं इसमें. यहाँ पे आपको वही सेम स्टाइल वेरिएंट वाली 10 इंच टच स्क्रीन मिलती है, विच इज़ रियली रियली फ्लुएंट. कोई भी लैग नहीं है विद स्कोडा एप्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस. और यहाँ पे आप स्टीयरिंग से उसको ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक वर्जन. तो यहाँ से देख सकते हैं आप, खाली ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है और लॉक का बटन है. बिकॉज अदर जो फीचर्स हैं इसमें, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम और वो सब स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाएंगे, बट एक्टिव में आपको यहीं पे बटन मिलेंगे. स्टोरेज भी हैंडरेस्ट के नीचे एडिक्वेट है. सो हियर यू गेट अ कूल ग्लव बॉक्स विच हैज़ नाइस अमाउंट ऑफ स्पेस, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस. एंड या सो द फील ऑफ द कार इज़ रियली नाइस, रियली प्रीमियम. मतलब इट्स अ क्लास अपार्ट. और ये इसके वेंट्स हैं विच फील्स गुड, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं. And you get a ambient light also in the Ambition variant. You don't get it in the active one. Only Ambition and Style.
जो रात को ही ढंग से दिखती है. इट्स नॉट दैट ब्राइट और एक ही कलर है वाइट, दैट्स इट. यू कैन नॉट चेंज द कलर्स. तो ये कुछ फ्रंट लुक आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई दी. तो इट लुक्स रियली नाइस. काफ़ी एस्थेटिक बोल्ड लुक है गाड़ी की. मस्कुलर लगती है काफ़ी बिकॉज ऑफ द क्रीजेज एंड लाइन्स. सॉलिड, यू कैन फील द सॉलिडनेस इन द कार. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ मिड साइज सेडान, जस्ट गो एंड सी द स्लाविया फॉर योर सेल्फ. जब तक आप इसको खुद नहीं देखोगे, वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. बिकॉज मैंने भी जब वीडियोज़ देखी थी, आई वॉज इम्प्रेस्ड, बट वेन आई रियली वेंट आउट एंड चेक द कार, तो एक डिफरेंस था. वॉज रियली डिफरेंट, द फील वॉज रियली डिफरेंट. आई कुड फील कि हाँ, प्रॉपरली फील हो पा रहा था आपको कि प्रीमियमनेस क्या है कार में. तो इसमें आपको ऑटो एम्बिशन में ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन नहीं मिलता, नॉर्मल मिलता है. सॉफ्ट टच मटेरियल इज़ नॉट यूज इन द कार एनी वेयर एज सच, बट स्टिल द प्लास्टिक इज अ वेरी गुड क्वालिटी. इट्स वेरी नाइस मटेरियल यूज्ड, गुड क्वालिटी. एंड इसमें आपको ऑटो फोल्ड आयरबैग मिल जाएंगे. यू कैन फोल्ड इट फ्रॉम इनसाइड, जो आपको एक्टिव में नहीं मिलते, खाली एम्बिशन एंड टॉप में मिलते हैं. मैं एक बार आपको बाहर से भी इसका दिखा देता हूँ, ऑटो फोल्डिंग मिरर का. सो आप उसको अंदर से सेट कर सकते हैं. सो व्हेन यू लॉक द कार, द मिरर्स विल ऑटोमेटिकली फोल्ड. ऐसा नहीं है कि खाली इफ़ यू आर इनसाइड द कार तभी आप उसको बंद खोल कर पाओगे. यू कैन डू इट फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो. एज यू कैन सी, मैंने गाड़ी खोली तो वो ऑटोमेटिकली खुल गए. अब बंद करी तो दे विल क्लोज ऑटोमेटिकली. तो दिस इज़ द ब्रिलियंट सिल्वर और ये है क्रिस्टल ब्लू. और जब आपने पहले देखा था, दैट वॉज द कार्बन स्टील. सो या, तो दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर द वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मेरे हिसाब से. एम्बिशन वन, अगर आपसे आपका 14 लाख तक का बजट है, बिकॉज ये ऑन रोड आपको 14 लाख की पड़ती है. 12,40,000 इसका एक शोरूम प्राइस है. आई शो यू ऑल दी अदर कलर्स ऑल्सो, एक्सेप्ट टोनेडो रेड नहीं है. सो तो अकॉर्डिंग टू मी, ब्लू, क्रिस्टल ब्लू थोड़ा लाउड है, सबको पसंद नहीं आएगा. इट स्टैंड्स आउट अ लॉट, थोड़ा बहुत ज़्यादा लाउड है, बट इट लुक्स रियली नाइस. अगर कोई किसी का स्पोर्टी सेडान का फील है, टू मेक इट लुक स्पोर्टी फ्रॉम एवरी एंगल, दे शुड गो फॉर द ब्लू कलर. स्पेशली द यंग क्राउड गो फॉर इट. लुक्स रियली प्रीमियम. जैसे BMW की नई वाली 2 सीरीज आ रही है ना, इट्स सिमिलर कलर. एंड द पेंट क्वालिटी दैट स्कोडा यूजेस, इट्स रियली नाइस. बहुत ही प्रीमियम फिनिश है. यू कैन सी इट, मतलब आपको अलग ही दिख जाता है, फील हो जाता है कि हाँ, द कलर क्वालिटी इज़ रियली नाइस. और मैंने खुद भी पर्सनली भी स्कोडा की गाड़ी रखी हैं, तो द कलर जो इसका है, जो इसका पेंट होता है, वो अलग ही दिखता है. यू जस्ट नीड टू गिव इट अ नाइस वॉश एंड इट शाइन्स लाइक, जैसे आपने इस पर कुछ पॉलिश करी हुई होगी, ट्रस्ट मी. सो या, स्कोडा मेंटेन्स देयर क्वालिटी इन ईच एंड एवरी थिंग. ऐसे नहीं, थोड़ी सी मेंटेनेंस गाड़ियों की हाई होती है, क्योंकि क्वालिटी यूज़ करी होती है, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा तो मेंटेनेंस लगता है ही. तो मैम, आपको वाइट कलर, आई विल शो यू द वाइट कलर. पर्सनली मेरा फेवरेट कलर इज़ वाइट. वाइट में काफ़ी उभर के आ रही है ये गाड़ी, एंड इट लुक्स मच बिगर इन वाइट कलर. एवरी कार लुक्स बिग इन वाइट कलर. तो वाइट में तो मुझे, दिस इज़ माई फेवरेट वन, लुकिंग रियली प्रीमियम. और इसकी जो डिज़ाइन है, इट्स रियली नाइस. स्कोडा हैज़ डन रियली नाइस जॉब. एस्थेटिक लुक दी है, बोल्ड है काफ़ी, आगे बड़ी ग्रिल है. तो ओवरऑल गाड़ी इज़ टॉप नॉच. मतलब आपको प्रॉपर एक, जैसे पहले रैपिड आती थी, ये सब आती थी, वो वाली फील नहीं है. काफ़ी अप मार्केट अप फील होता है, वेरी प्रीमियम. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.